गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वीएसपुरा एट द रेट ऑफ जूलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के जो आइसोमर फॉर्म है उनको हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीएसपुरा एट द रेट ऑफ जूलॉजी। मोनोसेक्राइड जो है दिस हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स, और ये जो आइसोमेरिज्म फॉर्म जो है हैविंग द सेम स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला बट देयर फंक्शन आर डिफरेंट, और हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर स्ट्रक्चर आर डिफरेंट अलोंग विद देयर फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर जो मोनोसेक्राइड का मेन जो इसकी आइसोमेरिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है दैट इज द कार्बन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट and it is forming a large number of carbohydrate molecules by reacting with water or acting as the vehicle of life. तो हम यहाँ पर देखें कि जैकोब्स एट वॉन्ट हॉफ जो है, जिन्होंने फर्स्ट जो नोबेल ल्यूरिएट्स है केमिस्ट्री में 1901 में, और जोसेफ ए ले बेल इन 1894, उन्होंने टेट्राहेड्रल स्पेशल अरेंजमेंट जो वैलेंस है कार्बन की एटम की उसको डिस्क्राइब किया था, जिसमें इसने शो किया था कि भी दिस ऑल आर प्रेजेंट एट 109 degree 28 minute, जितने भी मतलब फोर वैलेंस है, तो फोर वैलेंस जो है दीज आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड अराउंड द कार्बन न्यूक्लियस। अब हम इसमें देखें कि कार्बन जो है इट हैविंग टू फॉर्म, सॉफ्ट फॉर्म और हार्ड फॉर्म, इसके दो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शॉर्ट जो सॉफ्ट फॉर्म है दैट इज ग्रेफाइट, हार्ड फॉर्म डायमंड है, लेकिन इसकी और भी न्यू फॉर्म जो है वो डिस्कवर की गई है, और उनमें बाल शेप्ड शोकर है, सिलिंड्रिकल ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर है, फोमी शेप्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज द फ्यूलरेंस, नैनो ट्यूब एंड नैनो फॉर्म जो है। दीज फॉर्म आर मैग्नेटिक इन नेचर एंड दीज आर यूज इन MRI, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज टू ऑब्जर्व द कैंसर एंड ब्रेन स्कैनिंग, उसमें इनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे थे, तो कार्बन मैंने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ आइसोमेरिज्म फिनोमिना इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन नंबर टू है, इस कार्बन नंबर टू पर ये फोर ग्रुप अटैच हैं, एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल है, और एल्डिहाइड ग्रुप है, और दिस वन ये कंप्लीट मॉइटी जो है इसके साथ अटैच है। तो कार्बन नंबर टू जो है इट इज द एसिमेट्रिक इन नेचर, हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स अटैच, एंड सच टाइप ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज एसिमेट्रिक और किरल एटम, और दिस फॉर्म किरल फॉर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द formation of different form of monosaccharides that is known as the isomerism phenomena. So isomerism mein kya hota hai ki Jacob Berzelius ne 1827 mein jo hai different compounds with same molecular formula ko identify kiya tha, jo ki jinke different function the, lekin is phenomena ko usne name diya gaya hai isomerism. To isomerism mein hum dekhein to ek molecule jo hai जो कंपाउंड जो है वो उसके टू फॉर्म हो सकती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है, दूसरा टीरियो आइसोमर है। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर की हम बात करें तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है दिस वन, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लाइकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में ऑक्सीजन जो है कार्बन का डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, जो कि कार्बन नंबर टू पर है, यहाँ पर कार्बन नंबर वन पर प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन फॉर्म जो है वो कार्बन नंबर फ्रक्टोज में टू पर है, कार्बन नंबर वन इन केस ऑफ ग्लूकोज है, यदि ये एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन इनका जो जनरल फार्मूला जो है वो सेम है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला जो है इट इज डिफरेंट, हेंस दिस टू मॉलिक्यूल आर स्ट्रक्चरल आइसोमर टू इच अदर। अगर हम बात करें ग्लूकोज और ग्लाइकोज की, तो इसमें यहाँ पर ओवरऑल अरेंजमेंट सेम है, सभी फंक्शनल ग्रुप सेम नंबर कार्बन पर प्रेजेंट है, जैसे कार्बन नंबर पर ऑक्सीजन है तो यहाँ भी ऑक्सीजन है, कार्बन नंबर वन टू पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सेम ऑन द वे है, लेकिन यहाँ पर जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसकी अरेंजमेंट
और इसके अरेंजमेंट में यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। ये जो स्पेशल अरेंजमेंट जो है इस बेस पर इन टू मॉलिक्यूल्स को हम स्टीरियोआइसोमर कहेंगे। इनका जनरल फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, लेकिन स्टीरियो फॉर्म के हिसाब से देखें, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से देखते हैं तो दीज आर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड नोन एज स्टीरियो आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है इसकी डिफरेंट फॉर्म हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ चेन आइसोमर, अगर ये ब्रांच है, लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन है उस बेस पर। पोजिशनल आइसोमर, अगर यहाँ पर ये पोजिशन जो फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप तो सेम है, लेकिन उसकी पोजीशन है अलग अलग कार्बन पर है, तो ये पोजीशनल आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, अब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप की बात करें, जैसे ये कीटोन फॉर्म है और यहाँ पर ये एल्डिहाइड फॉर्म है, तो ये फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट और पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वहां पर, दैट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब हम बात करें इसमें स्टीरियो आइसोमर की, स्टीरियो आइसोमर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर, फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर भी सेम है, बट स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। और इस तरह से हम स्टीरियो आइसोमर को अगर फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो ये टू टाइप के होते हैं, एक है ज्योमेट्रिकल, दूसरा है ऑप्टिकल, ठीक है। जो ज्योमेट्रिकल है वो सिस और ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांसफॉर्म आइसोमर अराइज फ्रॉम पेक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड हैविंग ए डबल बॉन्ड विद इन द कार्बन, कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके बेस पर ये जो फंक्शनल ग्रुप टू फंक्शनल ग्रुप है ये सेम साइड में है या फिर अपोजिट साइड में है, तो उसके बेस पर इनका ओवरऑल जो है सेम स्ट्रक्चर है दोनों का, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट जो अरेंजमेंट है फंक्शनल ग्रुप की वो और उसकी ओरिएंटेशन है, स्पेशली ओरिएंटेशन वो डिफरेंट है अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और इसके ये जो एग्जांपल है मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, ये मैलिक एसिड फॉर्म सिस फॉर्म है और ये फ्यूमेरिक है, ठीक है, सिस फॉर्म मैलिक है और इसकी ट्रांसफॉर्म है दैट इज द फ्यूमेरिक एसिड है। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम देखें कि इनको हम इनेंशियोमर भी कह सकते हैं। यहाँ पर डिस्पोजिशन ऑफ वेरियस एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस अराउंड द एसिमेट्रिक कार्बन एटम, यानी यहाँ पर रोल किसका आ गया है, एसिमेट्रिक कार्बन का आ गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम दीज मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड, फर्दर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ डी फॉर्म और एल फॉर्म, और ये डी और एल फॉर्म जो है दीज आर नॉट सुप्रीम पोजेबल, एक दूसरे के ऊपर सुप्रीम पोज नहीं हो सकते, इसको उठाकर इसके ऊपर रखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नीचे यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, तो दीज आर नॉट सुप्रीम पोजेबल, लेकिन इनका जनरल फार्मूला है वो सेम है, ठीक है। और कार्बन नंबर टू पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बन नंबर टू पर हाइड्रोक्सिल, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है और यहाँ पर ये राइट साइड में है, तो यहाँ पर कार्बन नंबर टू पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी अरेंजमेंट ये राइट और लेफ्ट में है, उसके बेस पर इस मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर जो ऑप्टिकली आइसोमेरिक फॉर्म में है इन दोनों को डी और एल फॉर्म में काउंट करते हैं, ठीक है। और ये जो कार्बन नंबर टू जो है इट इज डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऑन इट, और सच कार्बन इज नोन एज किरल और एसिमेट्रिक इन नेचर, और एक किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कार्बन आइटम है उसको हम काउंट कर सकते हैं इस जनरल फार्मूला से, 2^n, जितने एसिमेट्रिक कार्बन है उसको n की जगह रखेंगे और उसको हम काउंट कर लेंगे, तो उसके बेस पर हम काउंट कर सकते हैं कि इस एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एसिमेट्रिक कार्बन है और कितने उसके ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म हमें मिलेंगे। जैसे कि ये मिरर इमेज है, डी ग्लिसरेल्डिहाइड और एल ग्लिसरेल्डिहाइड एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोजेबल नहीं है, और ये मिरर इमेज है, ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है और ये पर्सपेक्टिव फार्मूला है डी ग्लिसरेल्डिहाइड और एल ग्लिसरेल्डिहाइड, और ये बॉल एंड स्टिक मिरर इमेज फार्मूला है। यहाँ पर हम फर्दर इसको क्लासिफाई करते हैं कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन नंबर टू इन केस ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड में देखा, उसके बेस पर हमने
इनको डी और एल फॉर्म में क्लासिफाई किया था। अगर चेन ये जो है इलोंगेटेड है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो एसमेट्रिक कार्बन है जो फर्दर मोस्ट है, जो सबसे दूर है एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप से, तो उस एसमेट्रिक कार्बन को हम काउंट करते हैं। वहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो राइट में या लेफ्ट में है, उसी बेस पर इनको हम डी और एल फॉर्म है काउंट करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अदर कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज नो इम्पोर्टेंट इन दिस कनेक्शन। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मेजोरिटी ऑफ मोनोसैकेराइड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर ऑफ डी टाइप। नेचर में ज्यादातर जितने मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो डी टाइप के हैं, लेकिन इनमें से कुछ मोनोसैकेराइड है वो एल फॉर्म में भी है, दैट इज द एल अरेबिनोज। ये जो है पेंटा एल्डोज फॉर्म है, पेंटा एल्डोज जो कि एल फॉर्म है, एल अरेबिनोज फॉर्म है। अब हम सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें, यहाँ पर ये ग्लिसरोज है, यहाँ पर डी ग्लिसरोज कार्बन नंबर 1, 2, 3, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में दिस स्ट्रक्चर, दैट इज द न्यू स्टीरियोजेनिक सेंटर, न्यू स्टीरियोजेनिक और एक सिमेट्रिक कार्बन एटम जो है इसको हम इंसर्ट करते हैं। इसकी टू फॉर्म होती है, इसकी टू फॉर्म है, यानी इसमें वन फॉर्म दिस फॉर्म में तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है, इसकी दूसरी फॉर्म हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट में मिलेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ ऑप्शन मिलते हैं कि अगर ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है डी ग्लिसरोल में इंसर्ट होता है कार्बन नंबर 1, 2 के बीच में, तो हमें यहाँ पर टू फॉर्म देखने को मिलेंगी, और दिस टू फॉर्म आर दिस फॉर्म। यहाँ पर एंट्री कर गया ये कार्बन 1 और 2 के बीच में, 1 और ये कार्बन नंबर 2 था, और यहाँ पर ये एंट्री किया, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 था, इनके बीच में ये स्टीरियोजेनिक सेंटर एंट्री की है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये जो फॉर्म मिली है ये भी डी फॉर्म है, क्योंकि कार्बन नंबर 3 जो फर्दर्स मोस्ट जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड में है, इसमें भी फर्दर्स मोस्ट जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है राइट साइड में है, तो ये डी रिथ्रोज है, ये डी थ्रियोज है। सेम ये स्ट्रक्चर जो है अगेन इन यहाँ पर एंट्री करता है कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में, तो ये जो टेट्रोज फॉर्म है, टेट्रोज फॉर्म 4 कार्बन फॉर्म है, तो ये 5 कार्बन फॉर्म बन जाएगी, दिस वन ये 5 कार्बन फॉर्म है, पेंटोज फॉर्म बन गई है, और कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में इसने एंट्री किया तो ये यहाँ आ गया, ठीक है, दिस वन। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द फार्दस्ट मोस्ट, ये फार्दस्ट मोस्ट है एल्डिहाइड से, इसके बेस पर ये डी राइबोज फॉर्म है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 5 कार्बन, इट इज डी रेबिनोज। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड में एंटर हो रहा है राइट साइड वाला, तो ये डी राइबोज, अगर ये इसकी दूसरी फॉर्म एंटर हो रही है यहाँ पर इस डी एरिथ्रोज में, देन इट इज डी रेबिनोज। सेम इसके केस में थ्रियोज में अगर ये एंटर हो रहा है राइट साइड वाला, देन इट इज नोन एज जाइलोज। से क्या बन रहा है जाइलोज। अगर ये लेफ्ट साइड वाला एंटर कर रहा है OH ग्रुप राइट लेफ्ट साइड में है, दिस वन लेफ्ट साइड में हो गया, तो ये क्या बन गया लाइजोज, ठीक है डी लाइजोज। इनमें फर्दर इनमें एंट्री होती है कार्बन नंबर 1, 2 के बीच में अगेन एंट्री होती है, तो ये 5 कार्बन से 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, और ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है सभी के सभी डी फॉर्म है, दिस वन कार्बन 1 और ये 2 था, तो उनके बीच में इसने एंट्री की है, सभी में ये 2 कॉन्फ़िगरेशन है, दिस वन और दिस वन, यहाँ भी दिस वन और दिस वन, ठीक है ये कॉन्फ़िगरेशन है, इन्होंने एंट्री किए, तो यहाँ पर ये डी एलोज फॉर्म बन गया इस मॉलिक्यूल से, दिस वन डी राइबोज में अगर एंट्री करते हैं इसकी दो फॉर्म एंट्री होती है, एक फॉर्म क्या बनाएगी डी एलोज तो दूसरी बनाएगी एल्ट्रोज। सेम इन केस ऑफ डी रेबिनोज में एंट्री करते हैं कार्बन नंबर 2 के बीच में दिस स्टीरियोजेनिक सेंटर, देन डी रेबिनोज से 2 फॉर्म बन रही है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। और सेम इसी तरह से यहाँ पर डी जाइलोज से हमें क्या मिल रहा है डी गुलोज एंड डी आइडोज, और यहाँ पर डी लाइजोज से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर हमें मिल रहा है डी ग्लेक्टोज एंड डी टेलोज। इस तरह से ये ओरल स्ट्रक्चर है सिंथेसिस ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड्स मोनोसैकेराइड्स। देर आर 8 फॉर्म, दिस वन 8 फॉर्म हमें यहाँ पर मिल रही है, एल्डोज फॉर्म थी सारी, एल्डोज यानी डिग्लिसरोज जो एल्डोज फॉर्म से ये स्टार्ट किया, तो ये सब हमें एल्डोज फॉर्म में 6 कार्बन कंपाउंड्स की 8 आइसोमर हमें देखने को मिल रहे हैं। सेम इसी तरह से अगर ये कीटोन फॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं,
कीटोन फॉर्म से स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें भी ये हमें एट फॉर्म ही मिलेंगी, यानी एल्डोज में भी एट फॉर्म है ये सिक्स कार्बन कंपाउंड में और कीटोज में भी एट फॉर्म है। तो यानी यहाँ पर हमें 16 फॉर्म जो है आइसोमर जो है वो देखने को मिलेंगे। ये देखिए कीटोज की फॉर्म में हम एंटर कर रहे हैं। हाँ, यहाँ खास बात यह है कि जो एंट्री होगी कार्बन की दिस स्टीरियोजेनिक सेंटर की वो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 इनके बीच में होगी। ठीक है, यहाँ पर एंट्री होगी। जैसे हम यहाँ देखें दिस वन, ये एंट्री किया इसने और ये जो हाइड इस जो दिस फॉर्म जो है अपर साइड में रहेगी और ये ग्रुप जो है यहाँ पर आ गया नीचे की तरफ, दिस वन इसके और इसके बीच में एंट्री कर रहा है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में नहीं, इसके और 2 और 3 के बीच में एंट्री कर रहा है दिस वन। ठीक है, और यहाँ पर फिर एंट्री कर रहा है, ये क्या था, डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सी एसीटोन है, ठीक है सॉरी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि कीटो ट्रायोज फॉर्म है, कीटो ट्रायोज फॉर्म, इसमें एंट्री किया तो क्या बन गया, डी एरिथ्रोलोज। अब ये एंट्री जो हुई है ये मॉइटी जो हमें इसमें एक ही को लेकर चल रहे हैं, इसकी दूसरी फॉर्म अगर अटैच होती तो उसमें दूसरी फॉर्म में ये OH ग्रुप इधर होता, ठीक है, जो कि इसकी एल फॉर्म थी, डी एरिथ्रोलोज की एल फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं डी एरिथ्रोलोज है ये। अब डी एरिथ्रोलोज में फिर एंट्री कर रहा है कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में यहाँ पर। तो एंट्री करने के बाद हम देख रहे हैं ये क्या मिल रहा है हमें, इसे डी जाइलोज, और यहाँ पर इसमें हमें मिलेगा डी राइबुलोज, ये पेंटोज फॉर्म है। इसी तरह इस पेंटोज में अगेन एंट्री कर रही है यहाँ पर सी और थ्री के बीच में दिस वन, तो हमें क्या मिल रहा है डी जाइलोज और डी राइबोज से हमें 2 फॉर्म मिल रही है यहाँ पर, दिस वन डी टैगाटोज एंड डी सोरबोज। ठीक है, और राइबुलोज से हमें क्या मिल रहा है डी पिकोज एंड डी फ्रक्टोज, और इसी तरह से और हमें इनकी जो ये सिंगल फॉर्म है डबल फॉर्म इसकी जो दूसरी फॉर्म एंटर करेगी, तो इस तरह से हमें जैसे 4 मिले इसी तरह से 4 कंपाउंड्स और हमें डिफरेंट कंपोजिशन के स्ट्रक्चर के हमें मिलेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर है हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि डी और एल फॉर्म है। थैंक्स, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, तब तक आप इसे देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू।